Hello friends, welcome to Insight Techs. This is a platform to learn about power transmission elements and its control system. आज के वीडियो में हम बहुत एक एक्साइटिंग टॉपिक लेके आए हैं। जैसे आपको पता है जेटको का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है जूनियर इंजीनियर्स के लिए, तो आज हम सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है जेटको के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर में जाके हम जेटको रिक्रूटमेंट 2021 सर्च करें। उसके बाद जेटको का करियर लिंक आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपके स्क्रीन के कॉर्नर पर एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन है जिस पर न्यू यूज़र क्लिक करना है। न्यू यूज़र क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर आप अपने कंप्यूटर में सेव रखें। इंस्ट्रक्शन आई हैव रेड पर टिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अपना साइनअप फॉर्म के लिए कोई मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर एक OTP सेंड होगा। उस जो OTP आपके मोबाइल में आया है वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज खुला है जिस पे आपको आपकी दूसरी सारी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए। इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आपके आईडी और पासवर्ड जो आगे यूज़ होने वाले हैं वो आपको ईमेल हो जाएंगे। तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है और उसके साथ एक पासवर्ड आप अपने दिमाग में सोच के रखिए। जो पासवर्ड आपको जो अकाउंट बनेगा जेटको की वेबसाइट पे उस पर लॉगिन करने के लिए यूज़फुल रहेगा। तो एक बार अपना ईमेल टाइप हो जाने के बाद पासवर्ड टाइप करना है। वापस वही पासवर्ड रिपीट टाइप करना है और एक क्वेश्चन की कैटेगरी है जिसमें से आप अपना कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन इमेज में जो नंबर है वो सिलेक्ट लिख के सबमिट पर क्लिक कीजिए। जो भी यूज़र आईडी आपकी स्क्रीन पर आया है वो यूज़र आईडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे कहीं नोट कर लीजिए या फिर आपके मैसेज और ईमेल एड्रेस पे ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे लॉगिन करना है। जो यूज़र आईडी अभी हमें मिला है वही यूज़र आईडी से हमें लॉगिन करना है और वही पासवर्ड भी हमें यूज़ करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। वही इंस्ट्रक्शंस वाला पेज आया है जहाँ से हमने शुरू किया था। कंटिन्यू पर क्लिक करें और अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। आपका फर्स्ट नेम, जो आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड पर है वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर से आपका फुल नेम जो भी है, फादर्स या हस्बैंड्स का फुल नेम वो टाइप करना है। डोमिसाइल ऑफ गुजरात, यस और नो का ऑप्शन है जिसमें अगर आप गुजरात के रेसिडेंट हैं तो यस पे सिलेक्ट करें। आप आउटर स्टेट के अदर देन गुजरात के रेसिडेंट हैं तो नो पर सिलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें, जेंडर सिलेक्ट करें और कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो अपने पास रखें और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद आगे आता है आपका मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट करें। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, जेटको के करंट एम्प्लॉई है या नहीं यस और नो सिलेक्ट करें। उसके बाद रिटायर्ड जेटको एम्प्लॉई के आप डिपेंडेंट है या नहीं वो सिलेक्ट करें। एक्स आर्म फोर्सेस में आप कहीं शामिल थे तो यस और नो सिलेक्ट करें। फिजिकल हैंडीकैप का स्टेटस दीजिए और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उससे मैच होना बहुत ज़रूरी है, आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स डालने के लिए आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिटी या टाउन का आपका परमानेंट एड्रेस टाइप करना है और आपका पिन कोड एंटर करना है।
अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सिमिलर है तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, उसको सिलेक्ट करना होगा। नीचे एक चेकबॉक्स है जहाँ लिखा है नेवर बीन कन्विक्टेड एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पे सेकेंड पेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे आपको आपका डिग्री सिलेक्ट करके आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री इंजीनियरिंग किया है वो लिखना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी टाइप करना है। ईयर ऑफ पासिंग, जब आपको डिग्री मिली है उस ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज लिखना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CPI है तो ये फार्मूला यूज़ करके आपको CPI को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि CPI से 0.5 माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपका परसेंटेज मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आपका परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे टाइप करना है जो फार्मूला दिया गया है उस हिसाब से। GTU के लिए नॉर्मली यही फार्मूला यूज़ होता है। अगर आप दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके यूनिवर्सिटी के मार्कशीट के पीछे की साइड जनरली ये परसेंटेज फार्मूला लिखा हुआ होता है। तो आप 7 सेमेस्टर के परसेंटेज कैलकुलेट करके टाइप करें, 8 सेमेस्टर के कैलकुलेट करके टाइप करें और एग्रीग्रेट यानी एवरेज परसेंटेज टाइप करें। नीचे जो चेकबॉक्स हैं दोनों को पढ़ के टिक मार्क कर लीजिए और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। और उसके बाद हम तीसरे सेक्शन पर आ जाएंगे जो है कि अपलोड फोटोग्राफ। एक फ़ोटोग्राफ के डायमेंशंस यहाँ पे लिखे हैं कि वो 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज उसकी मेंशन की हुई है 60 KB। तो इस बीच एक फ़ोटोग्राफ लीजिए और यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। एक सिग्नेचर जिसके डायमेंशंस 10 KB से कम, बिटवीन 10 KB टू 30 KB होने चाहिए, फोटोग्राफ वो सिलेक्ट करें आपके सिग्नेचर्स का, चूज फाइल करके अपलोड कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम प्रीव्यू पे आ जाएंगे, जहाँ पे एक PDF होगा जहाँ आपके सारे डिटेल्स आपने जो भी एंटर किए हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर आ चुके हैं। आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, सारे वेरीफाई कर लीजिए सारे डिटेल्स और जितने डिक्लेरेशंस जितने चेकबॉक्स हैं उसे अच्छे से पढ़ के टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे सबमिट डिक्लेरेशन आएगा जो आपको एक पेमेंट के पेज पर लेके जाएगा। यहाँ अगेन एक चेकबॉक्स है, उसे टिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे SBI ePay का एक होम पेज ओपन होगा जहाँ पे पेमेंट के सारे ऑप्शंस दिए हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI और NEFT। आप जिस भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से यूज्ड टू हैं वह पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप अपना पेमेंट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आपको जितना भी पेमेंट करना है पेमेंट के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा चेक स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने पर आपको आपका ट्रांजैक्शन का स्टेटस मिल जाएगा। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है वो आपको ईमेल में और आपके मैसेज में भी आपका स्टेटस अपडेट होता रहेगा। और ऐसे पूरा फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आपको एक PDF जनरेट होगा जो PDF आपको आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास सेव करके रखना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे भी सेव करके रखना है। सो दैट्स इट आज के वीडियो के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपके प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन समझ आई है और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। Thank you.